दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक और ज़बरदस्त खबर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको जानता है, दीपावली त्यौहार आने वाला है और इसी के चलते हुए सरकार ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है, जिससे हमारे 15 लाख कर्मचारी हैं पेंशन भुगी है उसको इसका फ़ायदा होगा। दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि दीपावली से पहले कर्मचारियों के खाते में जो सैलरी है यानी कि जो बोनस है दीपावली का, वो बोनस दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज हम इस बारे में बताते हैं आपको, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही योगी सरकार राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारी को दीपावली पर बोनस देने की तैयारी में है। दोस्तों, संभावना जताई जा रही है कि आज दशहरे के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो रहा है और फिर अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये का भार आएगा। हालांकि सरकार की ओर से फाइनल हरी झंडी मिलने के बाद वित्त विभाग आगे की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। दरअसल हाल ही में योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को फ्रिज डीए और मान्यता का तोहफा दिया था और ऐलान किया था कि कर्मचारी को दीपावली के बोनस का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए राज्यकर्मी मान रहे हैं कि दशहरा बीतते ही प्रदेश सरकार बोनस देने का आदेश भी जारी कर सकती है और फिर वित्त विभाग इसकी तैयारी में जुट जाएगा और जो दीपावली से पहले कर्मचारियों के खाते में बोनस राशि पहुंच जाएगी। बोनस दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब रुपए का जो भार आएगा, बोनस की अधिकतम जो राशि करीब 7000 रुपये तय किए जाने का अनुमान है। इस बोनस का लाभ जो सभी अराज्यपरीत राज्य कर्मचारी, कार्य प्रभावित कर्मचारी, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकायों व जिला पंचायतों के कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा। 4 नवंबर की दीपावली है और ऐसे माना जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल सरकार बोनस की राशि अक्टूबर माह के वेतन के साथ दे सकती है। वहीं इस संबंध में दशहरा बीतते योगी सरकार द्वारा बोनस देने का आदेश जारी हो सकता है। इसके बाद जो अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले साल सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ कहा था कि बोनस का 75% पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में और बाकी 25% पैसा कर्मचारी को नकद दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारी को वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए 30 दिन के बोनस का भुगतान करने का फैसला किया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन कर्मचारी को पीएफ खाता नहीं है उन्हें 75% रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर दी जाएगी। ये थी दोस्तों आज की हमारे लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।